भाई आपको पता है ना कि आज इंडिया श्रीलंका का फाइनल है एशिया कप का, और मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपका कुछ भला हो जाए। वो तो मैं हेडलाइट देख के भी काम चला लूँगा, लेकिन आपका काम हो जाए मैं चाहता हूँ कि एक एक मिनट आपके लिए समर्पित कर दूँ। आपको पता ना बहुत सारे बच्चे हैं, एक जॉय दीप दास करके एक स्टूडेंट है, उसके बहुत सारे कमेंट आए बेचारे के, आज ही भी आए थे शायद कल भी आए थे। उसने कहा कि सर मुझे रोटेशनल मोशन सिखा दो, उसके न्यूमेरिकल करा दो, फला फला एग्जांपल है ये करा दो, मुझे दिक्कत आ रही है। तो मैं उसे अब एक दिन में इतने सारे न्यूमेरिकल कैसे करा दूँ। कुछ बच्चे ऐसे जिनका यूनिट टेस्ट है, उनको यूनिट डायमेंशन करना ही है, हर हाल में वीक है बेचारे, क्योंकि आपको पता ना कि शहरों के अंदर क्या होता है, बच्चे शुरुआत से ट्यूशन पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जो बच्चे बहुत एडवांस बनने की कोशिश करते हैं वो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ऑनलाइन ऐसा कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएं, ये एक अकेला प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। थ्योरी तो सब पढ़ा देंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं कराते। तो न्यूमेरिकल के लिए एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैंने ये आपके लिए, लेकिन बस दिक्कत यहाँ ये है कि मैं अकेला हूँ। एक दिन में 10 क्वेश्चन बना दूंगा, 20 क्वेश्चन बना दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आपका मोशन स्ट्रेट लाइन ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, मोशन है प्लेन इसके भी हो चुके हैं, लॉज ऑफ मोशन का आधे हुए, और उसके बाद में अगर आप जाओगे तो वर्क पावर एनर्जी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हो गए। तो इसी तरीके से धीरे 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 जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं आपका। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अब टाइम नहीं लगाते यार, आप लोगों के लिए इतना कुछ समर्पित है, तो आप लोग भी थोड़ा ये किया करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मुझसे गुस्सा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कोई गुस्सा मत हो मुझसे यार। इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा आ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर फॉल विद अ वेलोसिटी वी थ्रू अ लिक्विड हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, फाइंड द विस्कस ड्रैग एफ। देखो आपसे विस्कस फोर्स पूछ रहा है, एक ड्रॉप है, या फिर आप ये कह सकते हैं ड्रॉप, छोड़ो यार ड्रॉप तो गलत हो जाएगा, आप ये समझो कि एक मेटल की एक गोली है स्फेरिकल बॉल, उसको आपने पानी में छोड़ दिया, तो जब आप पानी में छोड़ते हो तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो हमसे ये कह रहा है जब कांस्टेंट हो जाएगी तब उस पर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताओ। तो विस्कस फोर्स जो है, अब ये देखेंगे कि विस्कस फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। साफ साफ बोल रखा कि विस्कस फोर्स जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द बॉल पर डिपेंड करता है, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल पर डिपेंड करता है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि F इज इक्वल टू K अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। K क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मैं प्रोपोर्शनैलिटी लगाता, मैंने डायरेक्ट कॉन्स्टेंट दिखा दिया। F इज इक्वल टू क्या हो सकता है, बहुत सारे बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाएं कि ये क्यों कर दिया। चलो भाई तुम लोगों के लिए, ये ईटा पर डिपेंड कर रहा है, ईटा की पावर है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है इसकी पावर भी, और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा, तो वेलोसिटी की पावर सी। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट K आ जाएगा, तो ईटा की पावर है, रेडियस की पावर भी, और वेलोसिटी की पावर सी, इक्वेशन नंबर वन। अब आपको क्या करना है, डायमेंशनली इसको बैलेंस करना। अब आप कहेंगे सिंस फोर्स की कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू। अच्छा ये के जो है ये तो आपने कांस्टेंट लगाया, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन ईटा जिसको आप बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है और अब भी कह रहा हूँ, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लो। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, बस इसका याद कर लो, निकालना ही है। अगर कोई बच्चा चाह रहा नहीं पहले तो मैं इसको निकाल कर देखूंगा, तो भाई आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। देखो कैसे निकलेगा, एम एल टी माइनस टू तो ये हो जाएगा, ईटा का चाहिए आपको ये एल टू हो जाएगा, ये वेलोसिटी का आ जाएगा एल टी माइनस वन, और ये आ जाएगा डिस्टेंस का एल, तो एल से एल कट जाएगा, और एक एल से एक एल कट जाएगा, और एक टी से एक टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एम बचा, ये एल नीचे आ गया एल माइनस वन, और टी माइनस वन यहाँ से बच गया। तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, मुझे तो याद है मैंने इसलिए लिख दिया। रेडियस होता है इसका आ जाएगा लेंथ में, रेडियस जो होती है वो लेंथ में मीजर होती है बी, और वेलोसिटी आती है एल टी माइनस वन में, और इसकी पावर सी। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ज़बरदस्त। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बैलेंस कर लो, बैलेंस करना क्या डायरेक्ट ही करो। आप देखेंगे यहाँ पर एम एल टी माइनस टू ऐसे ही, पहला m की पावर देखो कितनी है, m यहाँ है और किसी के पास नहीं है, तो m की पावर a, l की पावर माइनस a है, l यहाँ भी है, तो देखो l की पावर माइनस a तो यहाँ से आया,
एल की पावर प्लस का भी यहाँ से आया और एल की पावर प्लस का सी यहाँ से आ गया, ठीक है। एल की पावर्स भी आ चुकी है तो एम बी और एल की। अब टी का देख लेते हैं, टी की पावर देखो यहाँ से देखो माइनस का ए है और यहाँ से देखोगे तो माइनस का सी, तो ये आ चुका है टी की पावर। अब आप कंपेयर कर लो पावर्स का, जब आप कंपेयर करोगे पावर का तो आपको क्या मिलने वाला है, ज़रा देखो। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 के। l का कंपेरिजन करो, माइनस का a प्लस बी प्लस सी, ये 1 के बराबर आ जाएगा। वहीं t का कंपेरिजन करो, माइनस का a माइनस सी, ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 2 के बराबर आ जाएगा। a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपको c मिल जाएगा, माइनस का 1 माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 2। इस सी को उधर को भेज दो, प्लस का हो गया, प्लस का सी हो गया, और माइनस टू को इधर को ले आओ, प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस 1 पहले से था, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो आपके पास ए इज इक्वल टू 1 आ गया, सी इज इक्वल टू 1 आ गया। ए और सी को पुट कर दो इसके अंदर, तो ये माइनस का 1 है, बी चाहिए और सी की वैल्यू प्लस का 1 है, इज इक्वल टू 1, तो माइनस 1 प्लस 1 को खा जाएगा, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1। तो ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी 1 है। ए बी सी की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, आप लिख दोगे पुट इन 1। मैंने पुट इन बोला है, पुट इन बोला है मैंने कभी आप पुट इन समझ लें, ठीक है। तो पुट कर देते हैं तो आपके पास मिलेगा एफ इज इक्वल टू के ईटा की पावर 1, आर की पावर 1 और वी की पावर 1, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के ईटा आर वी। बाय द वे मुझे के का यहाँ पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है, 6 पाई होती है, और यहाँ पर क्या भी रखा कि आपको के को 6 पाई लेना, जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। तो होप सो समझ में आ गया होगा, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा, इतना इलेबोरेटेड आंसर आपको कहाँ मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। अच्छे से इसको उतार लो और कॉपी कर लो।